नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत सही साबित हुई। जी हां, जबलपुर के बिलहरी स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार में ग्राहक ने खरीदा कलाकंद तो वहीं खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, जिसकी शिकायत पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। आपको बता दें, जबलपुर के गोराबासा थाना अंतर्गत बिलहरी में ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत सही साबित हुई। जनामचीन बीकानेर मिष्ठान भंडार से संतोष कुमार के द्वारा कलाकंद मिठाई खरीदी और घर ले गए। वहीं जब उन्होंने कलाकंद को टेस्ट किया तो उनकी तबीयत सी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने कलाकंद मिठाई को चेक किया तो उसमें से गंध आ रही थी और फफूंद लगी हुई थी, जिसके बाद संतोष के द्वारा गोराबाजार थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जहां पुलिस के द्वारा खाद्य विभाग को सूचित किया गया। वहीं सूचना पर खाद्य विभाग की टीम के द्वारा बीकानेर स्वीट्स में छापा मारते हुए खाद्य विभाग की टीम द्वारा कलाकंद व अन्य मिठाइयों के सैंपल मौके से एकत्रित करते हुए उन्हें प्रशिक्षण के लिए भोपाल लैब भेजा जा रहा है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर बीकानेर मिष्ठान भंडार में मिठाइयों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज ही गोरा बाजार थाने से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि श्री संतोष जी ने अपने बीकानेर बिलहरी से कलाकंद मिठाई का परचेज किया था। तो जब दो घंटे बाद उन्हें देखा तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी और कुछ फफूंद जैसी लगी थी। यहाँ पे आज मैं शिकायतकर्ता जो है संतोष जी उन्हीं के साथ बीकानेर बिलहरी पहुँची और मैंने कलाकंद एक अन्य मिठाई में केक का नमूना लिया है, लाइसेंस चेक किया एवं अन्य जो नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है किया। ये जो नमूना है वो खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा, रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल क्या है, आज मैं 1 बजे डीमार्ट गया हुआ था और वहाँ से लौटते समय मैंने मतलब ग्रेवयार्ड चर्च के बगल से बीकानेर स्ट्रीट से 500 ग्राम कलाकंद खरीदी 220 रुपये में। मैं उसको कहते लेके गया कोर्ट, क्योंकि मेरा कार वहीं पे कोर्ट में था, तो कोर्ट में कार में मैं लग गया और मिठाई को मैंने टेबल पे जो है रख दिया और अपने काम में लग गया। जब करीब 4 बजे मैं और मेरे मित्रों ने कहते मिठाई का डिब्बा खोला और एक दूसरे को कहते खिलाया, तो उस समय क्या है, कुछ लोगों मैंने खाया तो मुझे कुछ खट्टा सा लगा और भी साथी अधिवक्ताओं को भी खट्टा सा महसूस हुआ। जब उसको थोड़ा सा और परीक्षण किया गया तो देखा गया उसमें दुर्गंध आ रही है और कुछ फफूंद लगी हुई थी। तो इस तरह की दूषित मिठाई जो है वो बीकानेर मिष्ठान भंडार बिलहरी के द्वारा कहते मुझे प्रदान किया गया था, उसी की मैंने आवेदन गोरा बाजार थाने में दिया है ताकि उसकी कहते जांच हो सके और जो है उसका सैंपल जो है फूड अधिकारी महोदय श्रीमती माधुरी मिश्रा जी ने सैंपल जब्त किया है और उस पे ही मतलब अग्रसर है कार्रवाई में। आपका नाम बताइए। संतोष विश्वकर्मा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।